स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपनी 6 यूनिट है जिन बच्चों के 17-18 तारीख के आसपास पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है। परेशान थे सर आप, आज 11 तारीख ही है और हम लोग 6 यूनिट पर पहुंच गए हैं। 2 दिन और पूरी तरीके से फिजिक्स भी आपकी कवर हो जाएगी। 4th सेमेस्टर के लिए भी काम कर रहे हैं, आज शाम को एक क्लास आ जाएगा सर उसका भी। और जिन लोगों की जूलॉजी बॉट नहीं रहेगा, यानी मान के चलिए अगले 10-15 दिनों के अंदर सारे का सारा कंटेंट डिलीवर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि रियलिटी यह है कितना कंटेंट बनाया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश है आप तक चीजें पहुंचाने की। इस यूनिट में सबसे पहले एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। ज्यादातर टॉपिक हमने पब्लिक कर रखे हैं, फाइनल ईयर वालों को पढ़ाए थे, एलईडी था सर ठीक है, टनल डायोड था, इस तरीके की चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें हम यहां पे बता के उसी में कनेक्ट करवा देंगे। तो रेक्टिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं भाई? दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब होता है जो एसी को डीसी में बदल दे। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। ठीक है भाई, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने की क्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है, तथा वह सर्किट जिसे इस कार्य के लिए यूज करते हैं उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर को पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। 3 तरीके से बनाएंगे भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर सर। ठीक है, तो सबसे पहला पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव मतलब सर यहां पे देखिए सर, ये अपने पास एसी करंट थी, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा थी, ये डीसी करंट है। ठीक है, लेकिन इसकी सिर्फ आधी तरंग का दृष्टिकरण हो रहा है, आधी खाली है, आएगा फिर नहीं, आएगा फिर नहीं, आधे चक्कर में होगा आधे चक्कर में नहीं होगा, इसीलिए इसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे सर। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पर क्या किया, जो इनपुट का हमें रेक्टिफिकेशन करना है वो हमने लगा दिया सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहां पर एक ट्रांसफार्मर का यूज कर लिया और यहां पर एक लोड प्रतिरोध है, और ये जो बना हुआ है सर ऐसे यहां देखिए, ये जो बना हुआ है ये त्रिभुज दिखा रहा है P को, ये लाइन दिखा रही है N को, यानी पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है मेरे भाई? पीएन जंक्शन डायोड। तो जब कभी भी, अभी यहां पे हमने शॉर्ट में लिख भी दिया है, इस प्रोसेस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनत होता है, अग्र अभिनत क्या होता है? पीएन। फिर से बताते हैं हम एक बार, समझ लीजिए आराम से सर। ठीक है, यहां देखिए सर, ये क्या है, ये है पी और ये है एन। प्लस वाले को प्लस से जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दो, ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनत। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग होता है तभी पीएन संधि डायोड में धारा का प्रभाव होता है, रिवर्स बाइसिंग में नहीं होता है। यानी अगर चिन्ह पलट दें, प्लस को माइनस से माइनस को प्लस से जोड़ दें तो धारा का प्रभाव नहीं होता, इसलिए आधे चक्कर में धारा बह रही है, अगले आधे में नहीं बह रही, फिर आधे में बह रही है, फिर अगले आधे में नहीं बह रही है। इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। तो अगर आपको पूरी की पूरी धारा कन्वर्ट करनी है तब क्या करोगे भाई? तो 2 डायोड लगा दो यार। लो, हमने 2 डायोड लगा दिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, 2 डायोड लगा दिए। जब 2 डायोड लगाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, देखो यहां पर आधे चक्कर में ये काम करेगा, आधे चक्कर में ये काम करेगा, और ये कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहलाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। ये देखो पूरी की पूरी तरंग जो है वो दृष्टिकरण हो गया है, इसका दृष्ट धारा में कन्वर्ट हो गई है, यानी डीसी करंट में कन्वर्ट हो गई है। यहां पर लिख दिया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं, पहला डायोड पहले आधे चक्कर में जबकि दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्कर में करंट का रेक्टिफिकेशन करता है और हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त होता है सर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर होता है। रिपल फैक्टर क्या होता है? एसी अपॉन डीसी कर लो, उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। रिपल फैक्टर गामा की वैल्यू 0.48 होती है, आई एसी अपॉन आई डीसी का मतलब गामा यानी 0.48 होती है। ठीक, एसी करंट अपॉन डीसी करंट। आई आर एम एस का मान रूट मीन स्क्वायर जो करंट होती है वो I0 अपॉन √2 होती है। जिन लोगों के मल्टीपल पेपर है ये सब उनके काम में भी आएगा। तो I0 क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है करंट की। आई आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर करंट है सर। ठीक है, फिर आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। मेरे भाई फुल वेव और जो टोटल रेक्टिफायर यानी डबल वाला है, कंप्लीट जो रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस अगर हमें थोड़ा सा और एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 1 की जगह 2 लगा देंगे। पहले आधे चक्कर में 1 चल रहा था, आधे चक्कर में 1 चल रहा था, अब 2 मिलके चलेंगे, क्या दिक्कत? आधे चक्कर में ये 2 चलेंगे, आधे चक्कर में ये 2 चलेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन बात वही नहीं कि 2 आदमी लगा दिए तो काम ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी हम अकेले वीडियो शूट कर रहे हैं लेकिन अब हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया। देखिए आप बीडीकेड 9th 10th पर आज से वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं हमारे ही, पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ाएंगे,
बी डिकेड इन मैथ के लिए सर सेकंड सेमेस्टर बच्चे कह रहे थे, तो हमारी एक पढ़ाई स्टूडेंट है वो कह रही थी, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए ट्राई करिए, क्योंकि उतने बड़े लेवल पे भी नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग शुरुआत तो ऐसे ही होती ना मेरे भाई। तो सारी चीजें करने की कोशिश है, अकेले कम रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, साथ में लोग जुड़ेंगे ज्यादा रेक्टिफिकेशन होगा, यही होता सर सीधी सी बात है, ठीक है। तो डबल डबल लगा देंगे, तो यही पे हमने यहाँ पे लिख दिया, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए 4 PN जंक्शन डायोड का यूज करते हैं, पहले आधे चक्कर में 2 PN जंक्शन डायोड काम करते हैं, अगले आधे चक्कर में 2 PN जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन करते हैं और हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इफिशियंसी की बात करें मेरे भाई, इफिशियंसी मतलब होता काम करने की क्षमता, तो देखो 100% तो कोई कर नहीं सकता है, तो जब एक सिंगल रेक्टिफायर लगा होगा, सिंगल पीएन जंक्शन डायोड लगा होगा, तो 50% करना चाहिए आधा, लेकिन 50% पूरी तरीके से थोड़ी कर देगा, तो उसकी इफिशियंसी होती है 40.6%, यानी लगभग 40.6% ये कन्वर्ट कर देगा सर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या करेंगे, ईटा का मान 81.2% है, यानी 81.2% कर देंगे सर, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये आपका शायद हम पीछे सब करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छूट गया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम शायद आपका ना लिखा हो, ये सब लिखवा चुके हैं हम, ठीक है, पिछले महा क्लासेस में ही हो चुका। फिर आ जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है मेरे भाई, चालक जो पदार्थ होते हैं 3 तरीके के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो चालक नहीं होता है, कुचालक थोड़ा बहुत होता है, अर्धचालक, तो इनके बारे में पूरा डिटेल है, ये सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, यहीं से आगे से हम वीडियोज जोड़े दे रहे हैं ताकि आपको ढूंढने ना पड़ रहे हैं, आराम से सारी देख डालिए, 6 वीडियोज आप 6 यूनिट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कल आएगी एक 7वीं 8वीं वाली बहुत छोटी है, इसमें कायदे का केवल मल्टीमीटर और CRO है, तो बहुत आराम से सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। और बाकी 8th वीडियो में ही हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लगा दें, नहीं टाइम मिल पाया तो एक अलग से वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, बस सर उसके बाद आप तैयार हैं, जाके पेपर दे आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए आगे कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर टनल डायोड, पहले से शूट है मेरे पास, ठीक है, टनल डायोड के अलावा सेमी कंडक्टर हो गया, ठीक है, LED है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे कनेक्ट करते हैं। सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LED, LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, मेरे भाई ये लाइट ये जल रही है, ये जल रही है, ये जल रही है, ये जितनी भी लाइट्स यहाँ लगी हुई ये सब LED ही हैं, और अब आजकल हम लोग LED ही यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं, पावर बहुत कम लेती है, उठा के बल्ब फेंक भी दो सर तब भी नहीं टूटता है, लंबी लाइफ होती है, बहुत सारे तरीकों से ये फायदेमंद है सर, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पहले इसके 2 क्लास आए थे, आज ये 3रा क्लास है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। बाकी इनके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम यानी BDKDN BSC पर सर, ठीक है। आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे नोट्स उठा के हम लोग एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में भी डलवा देंगे सर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, अगर आपने पिछले क्लास देखे हैं अच्छी बात है, नहीं भी देखे तो थोड़ा 12वां याद कर लो। 12वें क्लास में क्या होता था, एक होता था पी टाइप और एक होता था एन टाइप, दो भैया सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते थे। तो एलईडी को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये एक मेटल की फिल्म है जिसे हमने एज अ बेस यूज किया, मेटल की फिल्म मतलब मेटल मतलब सोना चांदी इस तरीके की चीजें होती हैं सर, ठीक है, जिनके अरे सरल भाषा में कहते हैं मेटल मतलब धातु, जिनके ऊपर धन आयन यानी जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं वो मेटल होती हैं भाई, ठीक है। तो एक मेटल फिल्म का हमने यूज किया है, ठीक है, और ये जो एन टाइप पूरा अपना अर्धचालक था इसके हमने बेस में क्या लगा दिया भैया, कैसे ग्रो किया हमने इस एन टाइप को एक मेटल फिल्म के साथ, फिर इसे हमने एन टाइप को फ्यूज करा दिया पी के साथ, तो ये पी और एन मिले तो ये कौन सा क्या बन गया, पीएन जंक्शन बन गया। इससे पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड क्या होता है, अरे संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है ना मेरे भाई, तो एक पी और एक एन जब दोनों मिलेंगे तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। यहां से भैया लाइट आपको निकलती हुई दिखाई देगी, कैसे लाइट निकलेगी क्या होगी वो भी अभी बता देंगे, और साइड में यहां पर हमने यूज कर रखे हैं मेटल के 2 कनेक्शन लगाने के लिए सर, ठीक, कनेक्शन टाइप यूज करने के लिए, बस बात खत्म है। होता क्या है, सबको पता होना चाहिए कि जो भैया पी टाइप होते हैं, कौन होते हैं पी टाइप, पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से मिलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, अरे दो चीजें आपस में मिलेंगी तो क्या होगी, ऊर्जा, देखिए ऊष्मा उत्पन्न, गर्मी उत्पन्न, हीट उत्पन्न होगी ना, वही हीट कह लो या लाइट कह लो, ये आपको यहां पर निकलती हुई दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाएंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है मेरे भाई, ये त्रिभुज का मतलब है पी टाइप, आपको दिखाते हैं, जो लोग बिल्कुल बेसिक नए हैं
ये त्रिभुज का मतलब पी टाइप, ये लाइन का मतलब एन टाइप, तो ये पीएन है और यहां से ये लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए पी और एन दो हैं, इसलिए डायोड, और लाइट निकल रही है इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। पी मतलब प्लस वाले होते हैं तो इसे प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जब प्लस वाले को प्लस से माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं तो इतना तो हम आपसे अंदाजा लगा सकते हैं, आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है सर, ठीक है। तो अब बिल्कुल बेसिक भी हम बता रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है, यह भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड है तो इसका काम क्या है, जिसे सुटेबल वोल्टेज पर फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट एमिट करने के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है। यानी एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका काम क्या होता है, लाइट एमिट करना ही इसका काम होता है, कि किस तरीके से आप लाइट को एमिट करेंगे। ये लाइट यहां लगी, क्या कर रही है, लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, सब लोग लाइट एमिट ही तो कर रहे हैं मेरे भाई सर, ठीक है। अब प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत बिल्कुल आसान हम आपको बताते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, कोई और इलेक्ट्रॉन किसी और होल में जाके फिट हो जाएगा जहां जगह मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाके फिट होगा तो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हमें हीट और लाइट की फॉर्म में दिखाई देगी। जैसे अगर हम देखें तो ये देखिए गर्म भी हो रही है, ये सिर्फ लाइट नहीं दे रही, अगर आप इसे छूएं, ये वाली जो लाइट है इसे तो हम चाहे छू भी ना पाए इतनी गर्म हो रही है, तो ये हीट भी तो दे रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसे गर्म भी कर रही है प्लस लाइट भी दे रही है। तो लाइट और हीट दोनों के रूप में हमें मिलेगी मेरा, यही हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवेलेंट मतलब साझेदारी वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, होल होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे और रिकम्बाइन होंगे। एलईडी में करंट का फ्लो होने पर एन साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंक्शन को पार कर जाते हैं और जंक्शन के समीप जो पी साइड वाले होल हैं उनसे जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं। ये पी है, ये एन है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस जंक्शन को पार करेंगे और यहाँ जो होल होंगे उनमें जाके ये फिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी लाइट और हीट के रूप में मुक्त हो जाती है। यानी जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमें दो फॉर्म में मिलेगी, एक तो हमें लाइट मिल रही है प्लस ये गर्म भी हो रहा है तो हमें हीट की फॉर्म में भी मिल रही है मेरे भाई, ठीक है। बनाने का तरीका वही है, दोनों को मिला दे, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक सब्सट्रेट, सब्सट्रेट मतलब वही बेस, अभी हमने क्या दिखाया था आपको, मेटल की पॉलिश थी, कोटिंग थी, सेटिंग लेयर थी, पर ग्रो कर लेते हैं। इस एन टाइप मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में डिफ्यूज करा देते हैं, जैसा अभी बताया था बिल्कुल वैसा ही है, जिससे एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। इसके पी रीजन को बैटरी के एनोड यानी पी वाले को प्लस से एन वाले को माइनस से जोड़ देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ही होता है प्लस वाले को प्लस से माइनस वाले को माइनस से भैया जोड़ दो, ठीक। और ये लॉन्ग में आएगा एलईडी मेरे भाई, ये याद रखना सारी चीजें, भले ऐसा नहीं है कि खाली आपके लिए वीडियो लेके व्यूज बना के, यहां पे कितने लोग देख रहे होंगे, 10-20-50-100 लोग देखते होंगे, लेकिन अगर आपसे कह दिया गया है कि डेली वीडियो आएगी तो आएगी मेरे भाई, एक आदमी भी देख रहा तब भी हम संतुष्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बस आप तक कॉन्टेंट पहुंचना चाहिए सर, ठीक है। तो प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ोगे, तब हम लोग इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बायसिंग हो जाता है सर, ठीक है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी जोड़ देते हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है, अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये इसे खराब होने से बचाएगा, इसलिए आपने देखा होगा एलईडी वगैरह बहुत कम ही खराब होती, बहुत कम खराब होती, लाइफ इनकी 20-25 साल लोग गारंटी, 20,000 घंटे इनकी जो है लाइफ होती है मेरे भाई, 20-25 साल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 20-20 हजार घंटे मतलब अच्छी खासी लाइफ इनकी होती, 10-12 साल से भी कई लोग होंगे जिनके यहाँ पे बल्ब लगा होगा एलईडी वाला, वो चल रहा होगा मेरे भाई, बताइएगा कॉमेंट करके। तो अलग अलग कलर की एलईडी प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, यानी एलईडी के भी कई कलर होते हैं, जैसे अभी हम लोग एक नया सेटअप बना रहे हैं वहां पे कई मल्टी कलर की एलईडीज यूज करेंगे हम लोग। सत्यम सर्स लाइव अपना ब्लॉग चैनल जाके देखिएगा, उस पर जल्दी हम लोग डालेंगे पूरा सेटअप टूर सर, ठीक है। जैसे कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, सिलिकन कार्बाइड एक मटेरियल होता है, गैलियम फॉस्फाइड एक मटेरियल होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एक मटेरियल होता है, ईटीसी, यानी इस तरीके के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जो अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हमने ये बना के दिखा दिया है भैया, जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस होती है, ये देखिए
जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस होती है, छोटी वाली लाइन माइनस होती है। ये भैया त्रिभुज जो है ये पी यानी प्लस है, लाइन जो है वो एन यानी माइनस है। प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस वाले से जोड़ दिया, एक संघ में रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस क्यों लगाया? ताकि ये इसे खराब होने से रोक सके। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए, P में क्या होंगे? होल। N में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? P में, जंक्शन को क्रॉस करके होल में आके फिट हो जाएंगे। क्या उत्पन्न होगी? एनर्जी। वो एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। जो लाइट होती है, एक किसने कहा था, ये प्लैंक ने कहा था, आपको बताया था, प्लैंक ने क्या कहा था, जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के फॉर्म में चलती है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो ये लाइट के लिए भैया एनर्जी को एच न्यू से लिखते हैं, तो लाइट की एनर्जी को हमने उसे लिख दिया मेरे भाई। इस तरीके से हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन। आखिरी में वर्किंग वही है, जब एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा जाता है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन के होल की जंक्शन की ओर मूव करते हैं, रिकंबाइन हो जाते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है, यह एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। करंट की वैल्यू बढ़ने पर लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा करंट होगा उसी तरीके से उसकी इंटेंसिटी यानी पावर भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पी इक्वल्स टू वी आई होता है। वोल्टेज तो अपने घर में 220 ही मान लिया आ रहा है, ठीक है, या तो वोल्टेज गिरेगा या करंट गिरेगा, दोनों में एक ही चीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है जो अपनी इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता है वो भी बढ़ती जाएगी सर, ठीक है। यूजेस की बात करें, यूजेस या एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो डिसएडवांटेज तो ना के बराबर ही कह लो, एडवांटेज ही है ज्यादातर। सबसे पहले तो सस्ता है, ठीक है, हम लोग 10 रुपए का बल्ब लाते थे, कुछ लोग कहेंगे 10 रुपए तो बड़ा सस्ता था, मेरे भाई 100 वाट लेता था वो, जितने में 7-7 वाट के बदला 14 बल्ब जला दोगे उतने में वो किला जलता था और रोशनी भी घिनौनी देता था। 7 वाट का एक बार ले आओ, लंबा चलेगा, खराब भी नहीं हो रहा है, और फिर बहुत सस्ता, बत्ती भी कम खर्च हो रही, हल्का भी है, गिर भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो काफी फायदेमंद ये होता है। इसका प्लस जितनी भी घड़ी होती है, डिजिटल, ये सारी चीजें, इन सब में क्या होता है, एलईडी ही तो यूज करते हैं मेरे भाई, टीवी वगैरह, इसका साइज छोटा होने के कारण इन्हें डिजिटल काउंटिंग हो गई, कैरेक्टर डिस्प्ले बोर्ड हो गया, इन सब में यूज किया जाता है। इन्हें चलाने के लिए बहुत कम पावर चाहिए होता है, 6 से 7 वाट की एलईडी। अब हालांकि ये इतनी बड़ी 50 वाट की लगी है, लेकिन इस 50 वाट में कितनी सारी, यही सबसे, जैसे इस समय गर्मी है तो गर्मी में अब यही है, ये सब हीट भी प्रोड्यूस करना, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे बल्ब लगा लेते हैं इतने सारे, तो क्वालिटी, फिर तो क्वालिटी क्या आती है वो तो नहीं पता, लेकिन हम भी जरूर खत्म हो जाते हैं। और अभी भी यही है, क्योंकि एक तो हॉल ये बंद है सर, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ चलती, पंखा एसी कुछ भी चलाओ तो आवाज़ आती है सर, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के चक्कर में बहुत लाइटें लगी हैं मेरे भाई यहाँ पे, इधर एक 50 वाट की लगी है, 50 वाट की ये लगी है, 50 वाट ये लगी, लगभग 200-250 वाट जल रहा है इस समय, और तब जाके आपको ये क्वालिटी मिल पा रही। खास करके पीछे अगर सफेद होता तो पीछे से भी लाइट आती ना, तो चेहरा काला लगता, तो इस वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं भाई। इन्हें स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसा नहीं पुराने जमाने में रॉड है फंटी वाली जलती नहीं, घंटा और जलाओ फिर वो गर्म होती थी, लोग कहते थे गर्म होएंगी तब जलेंगी, इनमें ऐसा कुछ वार्म अप कोई टाइम नहीं होता, जैसे चालू करोगे वैसे ही शुरू हो जाएंगी। ये लॉन्ग लाइफ अप टू 20,000 घंटे तक ये चलते हैं और काफ़ी सस्ते और बढ़िया होते। तो टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसी को हम लोग इशाकी डायोड भी कहते हैं, क्योंकि किसने दिया था ये, इशाकी ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था? 1958 में बताया था, लियो इशाकी इनका मेरे भाई नाम था, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें आपको पता है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें डोपिंग बहुत ज्यादा लेवल की कर दी जाती है। सर जी ये डोपिंग क्या होती है, तो हम आपको छोटे लेवल पर समझाते हैं। जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि डोपिंग टेस्ट में फंसे का क्या मतलब है, कि भैया जो है कम दौड़ सकते थे वो, उन्होंने बाहर से कोई नशीला पदार्थ ले लिया, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा लिया, शरीर की क्षमता को बढ़ा लिया तो उससे क्या हुआ, ज्यादा दौड़ने लगे, तेज दौड़ने लगे। तो डोपिंग का मतलब होता है पावर को बढ़ा लेना। उसी तरीके से पी टाइप है, एन टाइप है, इनकी पावर को बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें बाहर से कुछ मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, स्पेशली जिसकी जिसमें होता क्या, डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जब डोपिंग का लेवल ज्यादा होता है तो डिप्लेशन लेयर पे इसकी फर्क पड़ता है। डिप्लेशन लेयर नॉर्मली होती है माइक्रो वगैरह में, माइक्रोमीटर वगैरह में, और ये आ जाती है एंगस्ट्रॉम में सर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम -10 यानी लेंथ वगैरह इसकी कम हो जाती है सर, ठीक है। इसके अगर हम लोग सर्किट सिंबल की बात करें मेरे भाई, तो ये इसका सर्किट सिंबल है, एक ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है सर, ठीक है, ये पी को दिखा रहा है और एक
से घूमा हुआ दिखा रहा है जो एन को दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसकी डोपिंग लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, इतना आपको याद रखना है, कोई कठिन नहीं है मेरे भाई। अब क्या करोगे आप लिख के दिखाओगे, यह एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हाई डोपिंग, अब ये भी हम क्या कह रहे हैं, हाई डोपिंग पी और एन रीजन के द्वारा बनाया जाता है। कितनी डोपिंग होती है, 1/10^3, यानी 10^3 में लगभग 1 part डोपिंग कर दी जाती है, ठीक, इतनी डोपिंग मेरे भाई करी जाती है। तो आपको क्या करना है, यह एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा है। क्यों बनाया गया, क्या हुआ वो बताते हैं हम आपको। इस कारण होता क्या है, डिप्लेशन लेयर ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है, यानी उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, डिप्लेशन लेयर लगातार कम होती जाती है। यह नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिसकी डिप्लेशन लेयर 5 μm होती है से बहुत कम, लगभग 100 angstrom हो जाती है। यानी जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, यार पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है बताओ, एक पी टाइप एक एन टाइप दोनों को मिलाया तो पीएन जंक्शन, जहां पे जुड़ते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं, हिंदी में संधि बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग जहां रहते हैं शाहजहांपुर, ये क्या है, शाहजहांपुर एक जंक्शन है, शाहजहांपुर क्या है, जंक्शन। क्यों, क्योंकि शाहजहांपुर विभिन्न विभिन्न जगह जाने वाली पटरियों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये जंक्शन है। बरेली क्या है, जंक्शन है, जहां से कई तरह के रास्ते जा रहे हैं, यहां से लोग पीलीभीत भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं, यानी जुड़ रहा है, तो शाहजहांपुर जंक्शन हो गया, संधि हो गई मेरे भाई। तो जहां पे पी और एन मिलता है उसे जंक्शन कहते हैं, पीएन मिला तो पीएन जंक्शन डायोड कह दिया, क्योंकि दो भैया एक पी है तो डायोड बोल दिया उसे। इससे हुआ क्या, जब डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा थी, जो होता क्या थोड़ा समझा देते हैं हम आपको, वरना आप यही कहोगे कि जो है सर जी पता नहीं क्या बता के चलेगा। तो लियो मेरे भाई, ये हो गया पी, ये हो गया एन। अब यहां पर क्या होता है, इसमें एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब फाइनल ईयर में हो सर, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस जंक्शन के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर बनती है जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये ऐसी लेयर होती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल्स होते हैं, यानी कोई आवेश वाहक इसमें नहीं होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, उसे डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे विभव प्राचीर यानी वोल्टेज होता है एक विशेष प्रकार का, ठीक है भैया। तो हुआ क्या, उससे रिड्यूस हो गई डिप्लेशन लेयर, उसकी चौड़ाई कम हो गई। इस लेयर के साथ डिप्लेशन लेयर में होगा क्या, जब चौड़ाई कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस हो जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है जनरेट होती है वो हो जाती है बहुत ज्यादा, इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो टूटने शुरू हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो भैया होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लिखा, इंटेंस हो जाती है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तथा चार्ज कैरियर्स मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। जो चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है और होल है मेरे भाई, ठीक है। टनल डायोड, इसका अर्थ यह है कि टनल डायोड जेनर ब्रेकडाउन की स्टेट में विद नो रिवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है। जो जेनर ब्रेकडाउन होता है उसकी कंडीशन भी बिल्कुल लगभग ऐसी होती है, चार बॉन्ड टूटते हैं, सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है और इस तरीके से वो मूव करते हैं। तो जो टनल डायोड है वो जेनर ब्रेकडाउन की स्टेट में विद नो रिवर्स वोल्टेज, जब उसके ऊपर कोई रिवर्स वोल्टेज नहीं लग रहा है, उस स्टेट में ही टनल डायोड भी काम करने लगता है, ठीक है। यह डायोड टनल इफेक्ट पर बेस्ड होता है, कुछ कठिन नहीं है। क्या किया आपने, सबसे पहले बता दिया यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। डोपिंग लेवल ज्यादा होने से क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी लेंथ मेरे भाई कम हो जाती है, डिप्लेशन लेयर की लेंथ कम हो जाती है। कम हो जाने के चक्कर में यह जेनर ब्रेकडाउन की तरह काम करता है, जैसे जेनर ब्रेकडाउन ऑपरेट होता है विद नो रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, टनल इफेक्ट पर यह काम करता है। उसके बाद आप इसके करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है मेरे भाई, बी और आई के बीच जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें की बात हम लोग कर रहे हैं। इधर की तरफ मेरे भाई वोल्टेज है, इधर की तरफ मेरे भाई धारा है, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करंट है यानी अग्रधारा है, नीचे की तरफ, ठीक है, ये आई आर रिवर्स करंट है यानी रिवर्स करंट मतलब पश्च धारा है। इधर की तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज है यानी अग्र वोल्टेज है, इधर की तरफ रिवर्स वोल्टेज है यानी पश्च वोल्टेज है। सर जी ये अग्र और पश्च क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है, समझाते हैं मेरे भाई। ये होता है पीएन, क्या होता है ये पीएन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। पी माने प्लस होता है, एन माने माइनस होता है, सरल भाषा में समझो, क्योंकि एन में कौन होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कौन होते हैं, होल होते हैं, ठीक। अगर हम लोग, ये है अपनी बैटरी, लो सर जी बैटरी ले आए, बैटरी में क्या करोगे, ये बैटरी का जो बड़ी वाली लाइन होती है प्लस को दिखाती है, छोटी वाली लाइन माइनस को दिखाती है। तो अगर हम लोग प्लस वाले को प्लस से जोड़ दें, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दें,
तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं दोस्त? फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर उल्टा कर दें भैया, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दें, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दें, तो इसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। यानी प्लस वाला प्लस से जुड़ा हो, माइनस वाला माइनस से जुड़ा हो, तो उसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इस स्टेट में जो करंट होगी वो फॉरवर्ड करंट कहलाएगी, वोल्टेज होगा फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाएगा, ऐसे रिवर्स में जो वोल्टेज होगा रिवर्स वोल्टेज कहलाएगा, करंट होगी रिवर्स करंट कहलाएगी। ग्राफ मेरे भाई यहां से शुरू होगा, नाम क्या है? ओ। यहां से चलेगा, क्या हो गया? ए। थोड़ा सा वैल्यू कम होगी, कहां तक आएगी? जो मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट है वहां तक आएगी। उसके बाद ये नॉर्मली जो पीएन जंक्शन डायोड काम करते हैं वैसे ही काम करने लगेगा, ध्यान से समझिए। तो जो टनल डायोड का ग्राफ इसमें है वो सिर्फ इतना है मेरे भाई, हम रेड से बनाए दे रहे हैं, टनल डायोड का ग्राफ सिर्फ इतना है, ओ से ए, ए से बी, यानी ओ ए बी। इसके बाद जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की भांति कार्य करने लगेगा, ठीक है? बिल्कुल हम आसान लेके आ रहे हैं मेरे भाई, इसे मॉडल वगैरह में देखोगे आप दुखी हो जाओगे यार, ऐसे समझ लो। ये कंटेंट पीछे की मेहनत होती है, लिखना पड़ता है सारी चीजें, क्योंकि पहले से कोई नोट्स तो मेरे पास है नहीं। तो ओवरऑल ये है, बड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आया जा रहा है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो सर, ठीक है? फिलहाल प्लेलिस्ट वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे, इस बात का वादा है। कम से कम 40 से 50 वीडियोस की तो कोशिश रहेगी, ठीक है? बाकी राम जी जाने सर, ठीक है? तो अब हुआ क्या है, टनल डायोड पर पहले रिवर्स बाइसिंग में यह बहुत कम रेजिस्टेंस लगाता है, अतः इससे होकर जाने वाली करंट बढ़ जाती है और हाईली डोपिंग होने के कारण कम बाइसिंग होने पर ही ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी पहले हमने क्या किया, रिवर्स बाइसिंग, करंट बढ़ जाएगी। ये देखिए करंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसे ऐसे समझ लो ओ से ए तक, ध्यान से समझिए, ओ से ए तक पहले हमने रिवर्स बाइसिंग लगाया, करंट बढ़ गई, ये लो बढ़ गई, ओ से ए आ गए। लेकिन अब भैया डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होकर क्या होगा, करंट एकदम से गिरेगी। करंट गिरेगी तो ए से कहां आ जाएगी, बी पे आ जाएगी। जरा देखना, फॉरवर्ड बाइसिंग पर टनल डायोड में करंट बहती जो तेजी से बढ़कर बीपी वोल्टेज पर मतलब अधिकतम धारा आईपी तक पहुंच जाती है, इसके पश्चात डायोड करंट कम होने लगती है और बीवी वोल्टेज पर मिनिमम आईबी हो जाती है। देखो इसके पहले बढ़ी, इसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी, और कहां आ जाएगी मेरे भाई, बीवी वोल्टेज पर आईबी हो जाएगी। देखिए सर वीवी, ये वीवी वोल्टेज पर आईबी करंट, ये मिनिमम करंट है, यहां से कम अब नहीं हो रही है सर, ठीक है? यहां से फिर देखिए धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होगा, तो कुल मिला के फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने लिख दिया, तो यानी पहले आपने लिखा रिवर्स बाइसिंग होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम लगता है, करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, फिर बढ़ती रहती है, फिर क्या होता है, कंडीशन मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग और बढ़ाने पर नॉर्मल डायोड की भांति बढ़ती है। अब ये देखिए, अब अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग और बढ़ाते जाओगे तो अब नॉर्मल डायोड की भांति बढ़ेगी, बीच में हमने ब्रैकेट में बीसी लिख दिया, ये देखो अब और बढ़ाओगे तो पहले तो कम होगी लेकिन अब नॉर्मल बढ़ेगी, बीसी जैसे ये बढ़ रही है तो नॉर्मली ये ऐसे करके बढ़ने लगेगी, यानी बीसी की तरह ये बढ़ेगी। इस प्रकार टनल डायोड का नेचर ओएबी पार्ट में नॉर्मल डायोड से अलग होता है। ओएबी कौन सा, जो अभी हमने आपको दिखाया, ये देखिए ओएबी, यानी पहले बढ़ी फिर घटी, ये टनल डायोड की तरह काम कर रहा है। उसके जब आप आगे जाओगे और फॉरवर्ड बाइसिंग में बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, फिर ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगेगा। तो नॉर्मली ओएबी जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो अपने काम का है, बाकी तो फिर नॉर्मल डायोड वाला ही है सर, ठीक है? उसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो यह कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है? स्विचिंग डिवाइस जितने स्विच वगैरह तो आप समझते ही होंगे, ऑन ऑफ सारी चीजें, यह सारी चीजें होती हैं, ठीक है? लो कैपेसिटेंस यानी धारिता कम होती है, इंडक्टेंस भी कम होता है, इस वजह से माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें, गुण क्या है, साइज में छोटे होते हैं मेरे भाई डायोड ये सर, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी आपको समझते होगे, सरल भाषा में कहते हैं काम करने की क्षमता कह लो सर, ठीक है? फिलहाल वो एक अलग चीज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम सरल भाषा में बता रहे हैं कि कितना काम हो रहा है। जैसे अगर हम आपको बताएं, हमने कई बार ये एग्जांपल दिया है, आप भूलोगे नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, एक सेकंड में जितना काम हो रहा होता है। जैसे हम एक बार जा रहे थे बहादुरगंज, इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, तो बहादुरगंज जा रहे थे, तो हम ट्यूशन जा रहे थे सर, ठीक है? तो एक आंटी जी रिक्शे के ऊपर लात रखे, अपनी भाषा में लात कह दो, लात रख के और चप्पल ऐसे करके लिए खड़ी थी। तो अब होगा क्या, हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम चले गए, लेकिन रियलिटी है अगर वो चप्पल मारना शुरू कर देती, जो गलत चीज़ है, हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं, नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर वो चप्पल मारती तो एक सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ती वो कहलाता मेरे भाई उस चप्पलों की आवृत्ति। कोई भी काम जो एक सेकंड में हो रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, अरे हटाओ चप्पल, हटाओ यार, यहाँ देखो
मान लिया ये तार बंधा हुआ, इस तार को पकड़ के खींचा तो एक सेकंड में ये जितने कंपन करेगा वो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, यानी प्रति सेकंड होने वाले काम को, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों को, वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे अपने घर में लाइट आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती, 50 हर्ट्ज होती। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज कौन है, साइंटिस्ट है, इन्होंने आवृत्ति के बारे में बताया, या फिर 50 प्रति सेकंड कह सकते हो सर, ठीक है। पंखा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही, कोई भी काम हो रहा है सर, एक सेकंड में जितना आप गए पिताजी के साथ में मंदिर में परिक्रमा कर रहे हो, सब आवृत्ति हर चीज की होती भाई। लो पावर कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन मतलब बहुत ही कम पावर पे ये चल जाते हैं, ये बिल्कुल, इससे पहले हमने क्लास में आपको एलईडी बताया नहीं है। पीएन जंक्शन, देखो पी क्या है, एन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार हम आपको क्विक रिव्यू देते हैं। हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी, जिसमें था क्या, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में दो थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। और बाह्य में दो थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें हम लोग जब तक एक होल बचता था, और एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, पिछले क्लास अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। अब यहां पर पीएन और जंक्शन का मतलब होता है संधि, जुड़ना। डायोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाई मतलब दो, जहां दो इलेक्ट्रोड, एक पी है एक एन है, इसलिए डायोड बोल देंगे। तो पीएन जंक्शन यानी जहां पर एक पी टाइप और एक एन टाइप के क्रिस्टल को मिलाकर हम लोग रख देते हैं, उसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। कितना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, चित्र बना दिया भाई। लो भैया ये क्या है, ये पी है, ये पी है, ये क्या है, ये एन है, दोनों को मिला दिया तो ये क्या है, ये पीएन जंक्शन है। ये जहां पे ये मिल रहा है ये पीएन जंक्शन है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, थोड़ा सा समझाइए भाई तब मजा आएगा। सर जी ये एरो क्या है, ये क्या, ये डार्क पुता हुआ क्यों है, ये खाली क्यों है, तो एक एक करके आपको समझाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्त, मजा आ जाएगा। जरा देखिए, जहां पर पी और एन मिल रहे हैं इसे कहेंगे पीएन जंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ना, जैसे अपना शाहजहांपुर, जो लोग यहां से देख रहे हैं, शाहजहांपुर एक जंक्शन है, मुरादाबाद एक जंक्शन है, रौजा एक जंक्शन है, बरेली जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है यार, जंक्शन मतलब संधि, जहां पे कई जगह के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ट्रेनें मिल जाएंगी, इधर भी जा रही है लाइन, इधर भी जा रही है, इधर भी, तो वो जंक्शन हो जाता है सर। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, आपने बेसिक देखा होगा नहीं, पाइप की गमवा लोग कहते वो दे दो क्या, नली दे दो नली, हम लोग भी ऐसी जाके पाइप जोड़ने वाली नली दे दो, अच्छी भाषा में कहोगे तो पाइप जोड़ने के लिए जो जंक्शन आता है वो दे दो। लेकिन फिर गांव वाले बोल, जो दुकान वाला उसे भी पता होना चाहिए कि भैया जंक्शन चाहिए हमें, तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक भाई। जैसे जो हम लोग बोलते हैं पहिया, पहिया समझते हो, ऐसे करके खींच के निकालते थे तार, उसमें से पहिया बोल दिया, उसे अच्छी भाषा में एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन मतलब तार जो बड़ा हो जाए और दूर जाके हम लोग प्लग लगा सकें, उसे एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे ये सारी लाइटें जो चल रही हैं एक्सटेंशन है, ये हम लोग क्या करते, बोर्ड दे दो जिसमें बहुत सारे प्लग लग जाते हैं, या पहिया दे दो, पहिया हम लोग जमाने चलता था। तो जंक्शन एक्सटेंशन अच्छे वर्ड हैं, पढ़े लिखे हो यार, बीएससी फाइनल में आ गए हो, कम से कम कुछ लैंग्वेज में शब्द लेके आओगे तो अच्छा लगेगा। खिलाफ हम किसी लैंग्वेज के नहीं है, लेकिन भाई जो सबको चाहता है, जो हमें आता है, जो दुनिया को भाता है, थोड़ा बहुत हमें भी वो सीखना पड़ता है भाई, तो इसे कहते हैं जंक्शन, ठीक भाई। अब यहां देखो भैया, हमने आपको बताया था एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में क्या होते हैं, होल्स यानी कोटर होते हैं, होल्स होते हैं। अब होता क्या है, मान लिया पी माने प्लस, मान के लिए हाई, और एन माने माइनस। जब इस प्लस को हम लोग प्लस से जोड़ देते हैं और इस माइनस को हम लोग माइनस से जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, प्लस से जोड़ा प्लस को, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, दूर जाएंगे ना, तो जो इधर थोड़ी आएंगे, प्लस वाला प्लस के पास क्यों आएगा यार। लड़का कभी भी लड़के के पास क्या करता है जाके, अगर लड़का सुना होगा उनका लड़का उनकी लड़की को लेके भाग गया, इसका मतलब क्या, इसे आप केवल समझिएगा, अंडरस्टैंड मत लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या, एक लड़का एक हमेशा माइनस है, लड़की की अड़ोस पड़ोस में भटकता है, ये गुणसूत्र है यार, हम लोग उसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो प्लस वाला हमेशा कहां जाएगा, माइनस की तरफ, तो ये भी भैया होल्स के ऊपर क्या, प्लस होते हैं, तो जब इसे हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो ये इधर नहीं बल्कि उधर चलेंगे, और ये माइनस वाले माइनस, तो इलेक्ट्रॉन भी उधर नहीं जाएंगे बल्कि इधर आने लगेंगे, क्योंकि उधर तो हमने माइनस लगा रखा है, माइनस लगाने का कोई बहुत खतरनाक तरीका नहीं है, जो बैटरी है, बैटरी में बड़ा वाला सिरा प्लस होता है, छोटा माइनस, ले जाके इसे जोड़ दिया। तो जब जोड़ेंगे तो ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, जब ये इधर इधर जाएंगे तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे,
आराम से समझिएगा, क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स में फिट होने लगेंगे, यानी रिकम्बाइन होने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चले गए, तो यहां पे जंक्शन के पड़ोस में प्लस आ जाएगा, क्योंकि जहां पे भैया माइनस चला गया यानी वहां पे प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस वाले लोग यहां पे आ गए, तो इस यहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा अब इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल और एक एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में मिलाकर रखते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सरल है, पी मिला एन मिला, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन और पी रीजन से होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी रीजन के होल से रिकम्बाइन होने लगते हैं। इस प्रोसेस में पी रीजन के होल्स इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, जिससे जंक्शन के समीप निगेटिव आयन और एन रीजन रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जंक्शन के समीप पॉजिटिव आयन दिखाई देते हैं। यही बता रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इन पर प्लस आ गया, इन्हें ले लिए तो इन पर माइनस आ गया। ठीक है भाई, यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी हमेशा नहीं चलेगा, जब एक विद्युत क्षेत्र प्रॉपर उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, ये रुक जाता है। जंक्शन के दोनों ओर की वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर नहीं होता है, जहां पर ये आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना कोई होल है, सिर्फ आवेश है, इसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत हिंदी में कहा करते थे, और जिसमें पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर, ठीक है, या बैरियर पोटेंशियल। तो यहां पर लिखा हुआ है यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जंक्शन के दोनों ओर का वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, डिप्लेशन रीजन, और इस लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी विड्थ जो यानी चौड़ाई है वो 10^-6 मीटर के ऑर्डर में होती है। इसका नेचर इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग मतलब कुचालक, प्लस भी है माइनस भी है उदासीन, न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है उसे करंट आएगा या नहीं आएगा। यह डिप्लेशन रीजन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समान काम करता है। हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो प्लेटें होती थी, एक पे प्लस आवेश होता था एक पे माइनस होता था, तो उसकी तरह यह काम करती है। डिप्लेशन लेयर को प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल बैरियर देती है, यानी विभव जो बोलते हैं हिंदी में वोल्टेज, इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.7 होती है और सिलिकन के लिए 0.3 वोल्ट होती है। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। बैरियर पोटेंशियल क्या है ये? तो बैरियर पोटेंशियल ये है कि यहाँ पर जब प्लस माइनस है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, यानी विभव कहेंगे वोल्टेज कहेंगे भाई, ठीक है। तो जो जर्मेनियम के लिए कितनी होगी 0.7 और सिलिकन के लिए होगी 0.3 वोल्ट, आपको याद रखना है। फिर बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बीआई मतलब बी और आई, वोल्टेज और धारा के बीच में जंक्शन डायोड का ग्राफ कैसा आएगा, तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक जब यह फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और एक जब यह रिवर्स बाइसिंग होगा। जो आपने पढ़ा है अग्रभिनत और उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत क्या होता है, जब प्लस वाले को प्लस से माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं, बिल्कुल आसान है। लो ये है फॉरवर्ड बाइसिंग, बताइए सर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लो भाई देखो, ये है P और ये क्या है N है, ये P है ये N है। P मतलब प्लस, N मतलब माइनस, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस से जोड़ दिया। अब ये क्या है, ये डिप्लेशन लेयर सबको पता है, और ये इसका जो अभी हमने आपको बताया एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये बैटरी से हमने इसे लगा दिया। लो भैया इस तरीके का कुछ कंडीशन हो जाएगी ऐसी, बताओ इसमें कौन होंगे होल, इसमें कौन होंगे इलेक्ट्रॉन, प्लस से तुमने जोड़ रखा है तो भैया प्लस से जो दूर भाग के उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर भाग के इधर आ जाएंगे और जंक्शन के पड़ोस में इकट्ठे होंगे और क्रॉस करके रिकम्बाइन होने लगेंगे। ये देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन में पॉजिटिव टर्मिनल और एन रीजन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, सरल भाषा में प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ये देखिए, तब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। इसके कारण पी रीजन के होल्स और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर रिपेल होते हैं, यानी जंक्शन की तरफ जाने लगते हैं, इससे क्रॉस कर जाते हैं, सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है, फॉरवर्ड करंट रैपिडली फ्लो करता है, तेजी से बढ़ता है। इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा। ये बी एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, IF का मतलब होता है फॉरवर्ड धारा, फॉरवर्ड करंट जिसे हम लोग मिली एम्पियर में नापते हैं। इस तरीके से करंट पहले बढ़ेगा और फिर ये करके बूम करके ऊपर जाएगा। इस ग्रोथ को जब अचानक से ग्रोथ होती है रैपिडली, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
अचानक से ऊपर करके चले गए। तो ये जर्मेनियम के लिए ग्राफ है, ये सिलिकन के लिए। और अभी हमने आपको ऊपर बताया जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती 0.3 वोल्ट और सिलिकन के लिए होती 0.7 वोल्ट, ठीक है। जहां ये घुटने की तरह मुड़ा हुआ लग रहा तो इसे हम लोग नी वोल्टेज, नी माने घुटना, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं, थ्रीशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। थ्रीशोल्ड का मतलब एक वैल्यू है जहां से एकदम से एक्सपोनेंशियली ऊपर रैपिडली ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। अतः फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, लार्ज करंट यानी करंट अंधाधुंध फ्लो होता है और पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी बता दे रहे हैं। यार जाहिर सी बात है जब ये भी उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है यानी लेयर कम होने लगे, विड्थ की जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, उसकी चौड़ाई कम होगी क्योंकि दोनों आपस में घुसे जा रहे हैं। उल्टा कर दो या माइनस कर दो यानी रिवर्स बायसिंग, तो जो इधर आएंगे जो उधर, तो चौड़ाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। इतनी सी बात है सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आ गया अपना रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग क्या होगी, उल्टा लगा दो। रिवर्स बायसिंग में दोनों दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ेगी, करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि जब जाएंगे नहीं पड़ोस में तो क्या होगा भाई। तो लो भाई इसमें चौड़ाई ज्यादा बना दी हमने, इसे माइनस से जोड़ दिया, इसे प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कर दिया आपकी। यहाँ पे बैटरी सर थोड़ा सा गड़बड़ बन गई है, इसे आप सही बना लें। जो बच्चे इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ा भी करो, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में ना रहो। ये देखो ये आपकी इधर वाला हिस्सा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है भाई। ऐसे करके तो ये माइनस ये प्लस, बैटरी में जो छोटा वाला एरिया दिखाते हैं वो माइनस होता है, बड़ा प्लस। तो ये माइनस से जोड़ दिया, ये प्लस से जोड़ दिया। अब होगा क्या, इसमें भैया होल बैठे हुए हैं जो प्लस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो माइनस है। जैसे प्लस को माइनस दिखा आहा इधर आएगा जी, माइनस को प्लस दिखा जी उधर जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये चित्र हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए बैटरी यहाँ भी गड़बड़ बन गई है, सही कर लीजिएगा, माइनस इधर प्लस उधर, ठीक है। तो अब ये इधर आने लगे, ये उधर जाने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस के पास, होल्स जाएंगे माइनस के पास। लो भैया जब डायोड के पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल और एन रीजन को पॉजिटिव यानी प्लस वाले को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से जोड़ते हैं यानी जब उल्टा कर देते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग, ठीक है। जिसके कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर चले जाते हैं तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता। परंतु अब जाहिर सी बात जब दोनों दूर चले गए तो उसमें क्या ही करंट फ्लो होगा। लेकिन 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 ये भले ही पी है लेकिन इसमें कहीं एक आध इलेक्ट्रॉन भटक रहा होगा, ठीक है। देखो भैया इसमें होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन इन सबके बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, पता चलेगा क्या। तो एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें भटक रहा होगा, ऐसे ही इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं लेकिन एक आध माइनॉरिटी होगा, एक आध होल होगा, पता थोड़ी चलेगा। तो उसी तरीके से करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि दोनों दूर दूर चलेगा। लेकिन लेकिन बाई चांस अगर इसमें कोई माइनस वाला इलेक्ट्रॉन फंस गया तो ये माइनस वाला इनकी तरफ थोड़ी माइनस वाला तो उधर जाएगा, और इसमें कोई अगर होल है तो वो होल उधर नहीं बल्कि प्लस के चलते इधर आएगा। तो एक बहुत छोटी सी करंट होगी, नहीं छोटी बैटरी लगा के देखते जी उससे भी कम। तो एक बहुत ही माइनर करंट यहां लिख दिया तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता। परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, ये देखिए, परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण एक्सट्रीमली स्मॉल करंट का फ्लो होता, बहुत छोटी करंट। इस करंट को रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए, पहले ऊपर की तरफ ग्राफ था आपकी, नीचे की तरफ ये देखिए ऐसे करके आया और ये वही वाले नी करंट है, नी वोल्टेज है सर, ठीक है। तो वी आर का मतलब रिवर्स वोल्टेज, आई आर का मतलब रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए माइक्रो में नापते हैं। और फॉरवर्ड ये भी आपको पता होना चाहिए, विकल्प का क्वेश्चन है भाई, विकल्प में आपसे पूछा जाएगा कि जो फॉरवर्ड करंट होती है, कौन सी फॉरवर्ड करंट होती है उसे हम लोग काहे में नापते हैं, तो उसे हम लोग नापते हैं मिली एम्पियर में। मिली का मतलब 10^-3 एम्पियर, 10^-3। और जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स करंट को हम लोग किसमें नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। कुछ लोग कहते हैं 3 का ही तो फर्क है, 10^-3 और -6 में कितना, भैया मेरे 3 जीरो का फर्क है। 3 जीरो का मतलब 1, 2, 3, 10,000 का 1, 2, 3, ठीक है। -6 यहाँ पे देखिए फर्क देख लो यार, घटा दे रहा है, इसे लिख लो 1/10^3 कितने, 3 है तो 1, 2, 3, और इसका मतलब क्या है, -1/10^3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो कितने 1,000 का फर्क है भैया। एक आदमी के पास 1 रुपया है और एक आदमी के पास 1,000 रुपये, 1 रुपये वाली क्या इज्जत है यार। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मिली और माइक्रो के बीच में, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये पूरा आपके बहुत काम का है ऑनिक्स, ठीक है। ये पीछे जो लिखा हुआ उसे हम पढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए जो सब्सटेंस यानी पदार्थ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं नाइन्थ टेंथ में, चालक कुचालक अर्धचालक, चालक कुचालक अर्धचालक, ऐसे ही तो पढ़ते थे। जिनमें धारा का प्रवाह होता है यानी जिनमें करंट आता है वो चालक यानी कंडक्टर होते हैं, जिनमें नहीं आता है करंट वो कुचालक यानी इंसुलेटर होते हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत आता है वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। हम एक कहानी भी बच्चों को सुनाया करते थे कि एक बार क्या हुआ, एक बस थी, उस बस में एक कंडक्टर था, वो कंडक्टर एक बहुत बुरा कंडक्टर था। अब व्हाट्सएप पे से शेयर होती है तो ऐसे ही है, शायद किसी ने ना सुनी हो तो सुना दे रहा हूं। तो वो बहुत बुरा कंडक्टर था, तो एक बच्चा था उसके पास टिकट नहीं था, उसने पूछा, उसने धक्का दे दिया, बच्चा गिरा मर गया। बच्चा मर गया तो कंडक्टर से कहा गया तुम्हें सजा दी जा रही है, तुम्हें करंट लगा लगा कि जैसे बच्चा तड़पा के मरा है वैसे तुम भी तड़प के मरोगे। कंडक्टर के करंट लगाया गया, उसके करंट लगा ही नहीं, उसे माफ कर दिया गया, लेकिन अब वो एक अच्छा कंडक्टर बन गया था। इस बार उसके करंट लगाया गया, फिर बच्चा गिरा, फिर सारी चीजें हुई और इस बार करंट लगाया तो वो लग के मर गया। तो ऐसा क्या हुआ, उसके पहले करंट नहीं लगा बाद में लग गया, क्योंकि पहले वो एक बुरा कंडक्टर था। कंडक्टर को ही हिंदी में कहते हैं चालक, क्या कहते हैं चालक, इंसुलेटर माने कुचालक और सेमी कंडक्टर माने अर्धचालक। ट्वेल्थ में पूरी यूनिट थी, आपने सेमी कंडक्टर वगैरह सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो वन टू वन एक एक करके हम लोग इंटरेक्ट करेंगे चीजों पे और पूरा आज डिटेल डिस्कशन करेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में। आज हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर्स तक भी पहुंच जाएंगे, ताकि कल हम लोग उसे आपस में शामिल करके बना देंगे पीएन जंक्शन डायोड। एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करने की कोशिश रहेगी, आपकी जिम्मेदारी है मन लगा के पढ़ना सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है, विद्युत, किन में करंट आ रहा है किन में नहीं आ रहा, विद्युतीय गुणों के आधार पर हम लोग व्याख्या करेंगे किसकी, मटेरियल्स की। तो सबसे पहला है भाई इंसुलेटर्स, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, क्या होता है कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें करंट नहीं आता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो इधर से उधर गदर कौन काटेगा, गदर का मतलब करंट जब आएगी नहीं तो मतलब बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं मस्त तरीके से, तो वो ये सब क्या कहलाते हैं कुचालक। लकड़ी है, करंट आता ही नहीं है तो क्या है, वो कुचालक हो गई, इस तरीके की चीजें। तो देखिए कितना आसानी से हमने लिखा है, वे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी जिनमें करंट नहीं आता क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट एटम से टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी इनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बंधे होते हैं कसके। समझाते हैं कैसे, मान लिया अपने पास नियॉन है सर, ठीक है। अब नियॉन का नंबर 10 है, इसका विन्यास बनता 2, नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अक्रिय गैस है यार, इसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मान लिया सोडियम है, अब आप फाइनल ईयर में तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा क्योंकि ना तो इसके पास कंप्लीट 8 है ना 18, ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा, तो मेटल जितनी भी उनमें करंट आता है, आप देख लो लोहा ले जाके छुआ देना जाके करंट आएगा, सोने में चांदी में सब में करंट आता है, समझ गया सर आप। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें करंट आएगा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें करंट नहीं आएगा सर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें दो बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड मतलब जिसमें नॉर्मली चीजें हैं, कंडक्शन बैंड मतलब वो जिसे हिंदी में कहते हैं चालन बैंड, बैलेंस को संयोजी बैंड। तो चालन बैंड वो जिसमें जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और मूव करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे, मूव करेंगे और करंट का फ्लो करवाएंगे। तो देखिए सर हमने लिखा नंबर 1, यहां तो हमने इस तरीके का डायग्राम बना दिया है सर, ठीक है, और उसमें हमने आपको दिखाया है, क्या दिखाया है कि इस तरीके का पूरा सिनेरियो होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, दो बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब चालन, ये बैंड ही करंट का फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप है वो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है, अब उससे होगा क्या, बैलेंस बैंड में इनके पास इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस मतलब संयोजी, बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इनके पास, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ये जो बीच का गैप है, बल्कि और आप थोड़ा और दूर बनाएं, बीच का जो गैप है वो बहुत लार्ज है, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से ये इंसुलेटर हैं, ठीक है, कुचालक हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, तो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी जो बैलेंस बैंड होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होते हैं कंप्लीटली एम्प्टी यानी पूरी तरीके से खाली होते हैं सर, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। रूम टेम्परेचर पर कोई कंडक्शन नहीं होता, नॉर्मली लकड़ी यहां पड़ी हुई इसमें करंट नहीं आएगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा? रूम टेम्परेचर कितना नॉर्मली, अगर आप बात करें 25 to 30 यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इस पर कोई करंट नहीं आता। आप लकड़ी को लगा के चेक कर लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी गीली ली ना हो बस, बाकी कोई टेंशन नहीं। डायमंड के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है 6 EV, यानी ये मल्टीपल में अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसके लिए होता है, तो डायमंड के लिए होता है। और कितना होता है दोस्त? 6 EV का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक भाई, कोई दिक्कत। अब ये अगर एनर्जी गैप कतई खत्म हो जाए तो वो चालक हो जाए, क्योंकि फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और थोड़ा कम हो तो वो सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक हो जाएंगे। फिलहाल हमने इसके कुछ उदाहरण लिख दिए, एग्जाम्पल का रबर करंट नहीं आता सबको पता है, प्लास्टिक करंट नहीं आता है, डायमंड करंट नहीं आता, वुड यानी लकड़ी में करंट नहीं आता है, एस्बेस्टॉस में करंट नहीं आता है, लैब में आपने जाली वगैरह मटेरियल देखा होगा उसमें एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है सर, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर मतलब क्या होते हैं? चालक। तो जिनमें करंट आएगा वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। देखिए कैसे, वे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है, गदर काटेंगे इधर से उधर, जब वो गदर काटेंगे तो फिर भैया करंट का फ्लो होगा, जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता है, कंडक्टर कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा एनर्जी बैंड के टर्म में, क्या है एनर्जी बैंड के टर्म में, यह कि दोनों के बीच में गैप तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब समझते हैं आप, ओवरलैप का मतलब होता है ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं इस तरीके से, ये दूर है ये ढक दिया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, अति व्यापन कहते हैं। तो यहां पे मैं लिखा हुआ भी ओवरलैपिंग हो गई, पूरा नहीं पार्शियली ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करते हैं, पार्टली पार्शियली, ठीक है, आंशिक रूप से। बैलेंस बैंड अब की फ्री हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वो सब धारा का उत्पात मचाएंगे अंधाधुंध। तो वैलेंस बैंड एम्प्टी और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, किसी भी टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है, नॉर्मली टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, आप लो हाई ले जाके लगाओ गर्म हो जाएगा, वैसी सीधी बात कंडक्शन पॉसिबल होता है। और रूम टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्शन, यानी अगर नॉर्मली भी हम लोग चेक करें तो एक अच्छा हम लोगों को कंडक्शन मिलता है दोस्त, ठीक है भाई। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जितने मेटल जितनी भी धातुएं हैं, दे आर एलॉयस का मतलब होता है जितनी भी मिश्र धातुएं हैं इतने जितने भी सब में करंट आता है, जैसे कॉपर CU हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आयरन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? धारा का प्रवाह इनमें हो जाता है, ठीक भाई। फिर आ गया सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टर क्या है भैया? गैप होगा तो, लेकिन कम गैप होगा। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, वे मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच होती हैं, यानी कुचालक और चालकों के बीच होते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। सेमी कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, इस तरीके से दोनों के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप जो है वो कम होता है। रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, सारे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट से बैलेंस बैंड में होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे खाली जगह बचती है, जिसे हम लोग होल्स कहते हैं, हिंदी में हम लोग उन्हें क्वार्टर कहा करते हैं। इस प्रकार बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी जितने जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर उतने ही होल प्रोड्यूस होंगे बैलेंस बैंड। दो बैंड है ना सर, आराम से समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी है दोस्त। यहां देखिए, तो इस तरीके से कितने? दो बैंड होंगे भाई। देखो एक कौन सा बैंड है बताइए? बैलेंस बैंड है। एक कौन सा है? कंडक्शन बैंड है, यही तो है। तो यहां कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएंगे उतने यहां पे होल प्रोड्यूस होंगे, होल मतलब खाली जगह कह लो यार एक तरीके से, तो होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है भाई। एग्जांपल्स की बात करें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब बात आएगी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, यानी अर्धचालक के प्रकार। हम जब तक छोटे थे यार हमें अर्धचालक तुरंत हम कहते थे पी टाइप एन टाइप, नहीं, सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, निज और बाह्य अर्धचालक। निज का मतलब निजी अपना, ठीक है, ये मान ले ये कोचिंग आप पूरी बनी हमारी अपनी निजी है, तो यानी इसे कहेंगे इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या? फंडिंग ले ली, बाहर से पैसा ले लिया, किसी ने लगा दिया, ये सारी चीजें, तो आके आपको 50 चीजें समझाएगा। यहां क्या अभी रात का कितना 11 बजा हुआ जब वीडियो शूट कर रहा है,
शूट करते 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 12-1 बज जाएगा, 2 बजे हम घर जाएंगे। कौन कहने आ रहा यार, कौन पूछ, घर भी अपना है, यहां से गए वहां जाके टांगे फैला के सो गए खाना खा के, कौन देखने आ रहा यार। इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक बाहर से किसी का किराए पर रहते हैं। हाँ भाई बड़ा आवाज आ रही रात के 1 बजे, क्या चिल्ला रहे थे तुम, फंस गए। तो इंट्रिंसिक मतलब जो निजी है, जब तक कोई भी अर्धचालक, अभी हमने आपको दो बताया जर्मेनियम और सिलिकॉन, जब तक वो नॉर्मल है उसे कहेंगे इंट्रिंसिक। जब अब बाहर से कुछ क्यों मिलाना पड़ता है, पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो पावर को बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं डोपिंग। आपने देखा होगा लिखा होता अखबार में 4 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फंसे, सुना है? तो अब डोपिंग टेस्ट में फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि भैया नॉर्मली क्या करता, नॉर्मली 100 बख्तर आ रहे थे, पता चला वो फेंकते थे कितने, 100 की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे, 130 से फेंक रहे थे, लगा के आए इंजेक्शन दवाई मारा 160 बड़ा तेज फेंक रहे हैं। इसका मतलब यही है, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, तो डोपिंग क्रिया हो गई। वो उसी तरीके से जब जर्मेनियम सिलिकॉन की पावर नहीं अपने काम आ रही तो उनकी पावर को बढ़ा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो देखिए सर कैसे, तो हमने यहां लिख दिया है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, इंट्रिंसिक। यह सेमीकंडक्टर्स की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो घर की खेती है कोई मतलब नहीं है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम यह रूम टेम्परेचर पर स्मॉल कंडक्टिविटी शो करते हैं। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में होल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन में। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा वो कौन कहलाएंगे, होल्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस, यहां से माइनस चला गया तो हम मान लेंगे कि इनके ऊपर प्लस है, होल्स के ऊपर क्या है, प्लस। वही हमने लिखा है होल्स पर हम लोग प्लस ई का मतलब पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, ठीक है भाई, एज्यूम मतलब मानते हैं। जब इन सेमीकंडक्टर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन प्लस से, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लस की तरफ, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता तो वो प्लस की तरफ जाएगा, और होल्स किधर जाएंगे, माइनस की तरफ मूव करने लगते हैं, और इस प्रकार करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्शन नहीं होता, यानी टेम्परेचर अगर 0 है तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा सर, ठीक, इस तरीके का सर। ये प्योरेस्ट फॉर्म है इंट्रिंसिक, इस समय कुछ नहीं होगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या डिजाइन बना दी, थोड़ा समझाइए, लीजिए सर समझिए। भाई साहब सिलिकॉन का नंबर होता है 14, यानी 14 नंबर होता है सिलिकॉन का, ठीक है। तो अगर हम इसका विन्यास बनाएं तो 2, 8, 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन बाहर कितने, 4 होते हैं। तो ये जो हमने बना रखा है इसमें सिलिकॉन के 4 दिखा, देखिए ये सिलिकॉन है इसके 1, 2, 3 और एक यहां पे छूट गया, ये 4। ऐसे इस वाले सिलिकॉन के 1, 2 इधर की तरफ भी होगा सर, ऐसे करके ये 3 और ये यहां पर होगा 4, थोड़ा सा छूट गया, देख लीजिए उसे, इसके देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर सिलिकॉन के कितने, 4 होंगे, क्योंकि इतना तो यार फाइनल ईयर में हो, सिलिकॉन का नंबर कितना होता है, 14 बारी 4 होते हैं। तो हर सिलिकॉन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए, हर सिलिकॉन के इस वाले के 1, 2, 3, 4, हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड में, 1, 2, 3, 4 हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब हमने क्या कहा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां होल बनेगा। देखिए सर मान ले यहां से शुरू करते हैं, यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां पे होल बन गया, यहां पहुंचा, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा, होल मूव कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है, खाली जगह होती लेकिन लगेगा ऐसा होल यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। तो इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा और होल्स भी आगे बढ़ते जाएंगे, ये पूरा सिस्टम है सर, ठीक है। बना के भी हमने दिखा दिया सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के पास 4 होते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक का मतलब जिनमें हम लोग बाहर से कुछ मिला देते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं आइए समझाते हैं आपको, वे सेमीकंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं हम लोग। क्या करते हैं डोपिंग, अब ये देखिए मक्खी है फालतू में आके यहां क्या कर रही है, एक्सट्रिंसिक काम कर रही है, हम लोग कौन है इंट्रिंसिक। कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि आपका सब कुछ अपना है, अपना भैया किसी का कुछ नहीं होता है, ये देखिए मक्खी ने क्या कर दिया, हम लोग अब क्या मक्खी मार रहे हैं बैठ के, ये देखिए सर मक्खी कहीं बैठी होगी तो नहीं चल रहा है सर, ठीक है। तो 2 मिनट दे दीजिए अभी हम इसे सही कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए सर, ठीक है। तो आइए सर दिखाते हैं मक्खी बहन जी जहां भी हैं आप, अब बताइए सर, ठीक है। तो ये देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ मिल जाना, तो क्या होता है बे सेमी कंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिले होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी यानी बाहर से जब कुछ मिला देते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस एलिमेंट को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, ठीक है भाई।
डोपिंग एटम्स दो प्रकार के होते हैं, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब जिनकी संयोजकता तीन होती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर 13 होता है। लीजिए सर समझाते हैं आपको, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13 होता है सर। तो विन्यास बनेगा 2, 8, 3। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 हैं। फास्फोरस का नंबर होता है 15 यानी 15, 2, 8, 5। इनके पास 5 है तो ये पेंटावेलेंट है। ट्राइवेलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 3 है, पेंटावेलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 5 है। ठीक है भाई। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम समराइज भी कर देंगे पूरे सेशन को, ठीक है सर। तो पी टाइप में क्या भैया, देखो पी का मतलब तीन वाली, पेंटा मतलब पी का मतलब होता है पॉजिटिव, तीन वाली मिलाएंगे। जब कभी भी सिलिकन या जर्मेनियम में तीन वाला मिलेगा, देखो भैया कैसे, यहां देखिए सर, यह है एल्यूमिनियम। कौन है यह? एल्यूमिनियम। अभी हमने आपको बताया एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट है। तो अब एल्यूमिनियम के पास तीन है, तो एल्यूमिनियम ने एक साझेदारी करी, दो करी, तीन करी, लेकिन इनका चौथा है ही नहीं, तो एक जगह इनकी खाली रह जाती है जिसे हम लोग कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। यानी जब ये सब जर्मेनियम है, चार पड़ोस वाले जितने हैं सबसे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो जब कभी भी जर्मेनियम या सिलिकन के क्रिस्टल में हम लोग ट्राइवेलेंट यानी तीन वाली संयोजकता वाली अशुद्धि इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो उस इंप्योरिटी के तीन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यही हमने लिखा, जब SI सिलिकन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं। माना एल्यूमिनियम को जर्मेनियम में ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जर्मेनियम के तीन इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु एल्यूमिनियम के पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण एक खाली जगह रह जाती है जिसे हम लोग होल कहते हैं। जैसे ही होल प्रोड्यूस होता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी करें, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा, होल ही ज्यादा होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो जितने थे सबने बॉन्ड बना लिया तो होल बचा, यानी होल्स इसमें मेजॉरिटी करें, अधिकता में होते हैं, तथा इनके कारण ही करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बहुत कम करंट फ्लो होती है जिसे हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने जाहिर सी बात है यार, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो होल होंगे, सीधी बात है, उसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। ठीक है। दूसरा है एन टाइप। एन टाइप में बाकी सेम है, बीच में एल्यूमिनियम की जगह फास्फोरस यानी पेंटावेलेंट ले लिया, पांच वाला लिया, तो चार ने साझेदारी कर ली, एक इलेक्ट्रॉन बच गया आपकी। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब, तो इसे बोले निगेटिव यानी एन टाइप। उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी पॉजिटिव मतलब पी टाइप। ठीक है भाई। तो जब सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है। माना सिलिकॉन में फास्फोरस एटम की डोपिंग करते हैं, फास्फोरस के पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से केवल चार इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जबकि एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहता है, इस प्रकार करंट का फ्लो होता है। बैटरी कनेक्ट होने पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट का फ्लो होता है। ठीक है भाई। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम इसे कर देते हैं बंद, फिर हम आपको बताते हैं आज के इस पूरे सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था। ठीक है, लीजिए आइए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो मटेरियल होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से? इंसुलेटर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई। तो जिनमें क्या होता है, करंट नहीं आता है इंसुलेटर, आता है कंडक्टर, थोड़ा बहुत आता है, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई। उसके बाद इनमें जो बैंड गैप है बहुत ज्यादा होता है, इनमें क्या होता है ओवरलैप कर रहे होते हैं यानी कतई गैप नहीं होता, और इनमें क्या होता है इनमें गैप कम होता है इनकी तुलना में सर। ठीक है। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कोई बात नहीं, अपनी निजी अवस्था में है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में दो प्रकार हो जाते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। जब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो तीन साझेदारी कर लेते हैं, एक जगह फ्री रह जाती है जिसे होल बोलते हैं, पी टाइप, होल मतलब पॉजिटिव। ठीक है सर। और एन टाइप में चार साझेदारी कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं निगेटिव यानी एन टाइप। ठीक है भाई।